प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां बता दें पीएम मोदी ने हल्दिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उत्तराखंड में हुई त्रासदी की जानकारी लोगों के साथ साझा की और बताया कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात दे सकता है। वहां लोगों को बचाने के काम जारी है, रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में ना हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। वहां के लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली धरती बंगाल को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, पिछली बार मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर बंगाल आया था, वहीं अब हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आया हूं। कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बजट में चाय बागान पर खास ध्यान दिया गया। इसके साथ ही बता दें आपको कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की राजनीति। यहाँ विकास वाली राजनीति नहीं हो पाई। पहले कांग्रेस ने शासन किया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, लेफ्ट के शासनकाल में भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला हुआ और विकास ठप पड़ गया, जिसके बाद ममता ने परिवर्तन का वादा किया, लोगों ने भरोसा किया। जी हाँ, ममता सरकार पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोगों की ममता की अपेक्षा थी, लेकिन वह निर्ममता का शिकार हो गया। 10 साल के शासनकाल में यह साफ हो गया कि ये कोई परिवर्तन नहीं बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन ही है। इससे पश्चिम बंगाल में गरीबी का दायरा बढ़ता गया, उद्योगों में ताले लगते गए। इसके साथ ही अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया और कहा कि ये पूरा देश देख रहा है कि किसानों के नाम पर कौन राजनीतिक रोटी सेक रहा है और कौन किसानों की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही टीएमसी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है, इसलिए बंगाल के लोग जल्द ही टीएमसी को रंग कार्ड दिखाने वाला है। बुआ और भतीजावाद को खत्म करने का मन आप लोग बना चुके हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल में हमारी लड़ाई टीएमसी से है, लेकिन साथ ही इनके छिपे हुए साथियों से भी सतर्क रहना है। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस पर्दे के पीछे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। बता दें आपको कि हाल ही में यानी कि लगभग 15 दिन पहले ही पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल में थे। एक पखवाड़े के अंदर मोदी के दूसरे दौरे से बंगाल का चुनावी तापमान और भी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम की ये पहली चुनावी सभा है। इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुँचने का दावा किया जा रहा है। जनतंत्र टीवी से श्रुति की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।